इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर किस तरह से फेसबुक को चला सकते हैं, फेसबुक को पीसी या लैपटॉप में किस तरह से चलाया जाता है। चलिए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ से इस तरह से पॉपअप खुल जाएगी, इसको हम बड़ी विंडो में कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक लिख देना है। फेसबुक जैसे आप यहाँ पर टाइप कर लोगे, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। फेसबुक वर्ड सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है फेसबुक लॉगिन और साइन अप। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर हमें से पहले फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी आपको लॉगिन डालना है। जो भी आपका यहाँ पर ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो फेसबुक वाला अकाउंट है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फेसबुक पर अकाउंट ही नहीं बनाए रखा है, तो यहाँ पर आपके सामने है क्रिएट न्यू अकाउंट। इस पर आप क्लिक करके अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई पासवर्ड अपना भूल गए हैं या फिर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो फॉरगेट एम पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड को रिसेट वगैरह भी कर सकते हैं और आप फिर से कोई नया पासवर्ड भी डाल सकते हैं। रिसेट पासवर्ड करने के लिए यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो आ जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पर आपका नंबर डालना है या फिर नंबर पर डायरेक्टली आपके ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली फॉरगेटन पासवर्ड भी कर सकते हैं। आई होप गाइस पीसी में सारी चीज़ें आप कर लेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा।